लोकसभा के पांचवें चरण के मतदान को कांग्रेस ने अपने पक्ष में बताया है। पार्टी का आरोप है कि हार की हताशा में भाजपा बूथ कैप्चर करने जैसे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने एवन टीवी संवाददाता अप्रीत किरण से विशेष बातचीत में कहा है कि प्रदेश में आज 13 सीटों पर मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आज 71 सीटों पर सर मतदान चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि ये कहा जाए कि कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये चरण? देखिए, ये आंकड़ा बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। जो 2014 में इन सीटों पे भाजपा की बढ़त थी और कांग्रेस पीछे रह गई थी, ये बिल्कुल ही रिवर्स होने वाला है। और दूसरा है, ये जो पांचवें चरण का मतदान है, इसमें जनता तोड़ेगी भाजपा का अहंकार और अभिमान, क्योंकि कांग्रेस दे रही है सबको सुरक्षा और सम्मान। जो जनता ने जान गई है कि भाजपा की जो जुमलों की फसल है वो काटनी शुरू कर दी है। 2019 में विकास के बीज बोने बहुत ज़रूरी हैं। जो नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी, वो चाहे पहला चरण हो या सातवां चरण हो, वो नारा हो गया है बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। जनता के जो हिस्से केवल दुख आए हैं, किसान की थाली से अन्न छीन लिया, रोजगार से उसकी रोजगार छीन ली, व्यापारी के कारखाने पे ताले लग गए, सिर्फ मोदी सरकार और उनके दोस्तों के भगौड़ों के अच्छे दिन आए हैं। इस देश के जवान, नौजवान और किसान के बहुत बुरे दिन आए हैं, और जिसका बदला एक गुस्से की वोट से और एक बदलाव की जो वोट है वो कांग्रेस के हित में जाएगी। ये कहा जा रहा है अमेठी में स्मृति ईरानी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग हो गई, राहुल गांधी के लिए पूरा पूरा बूथ कैप्चर कर लिया कांग्रेस कार्यकर्ता। देखिए, स्मृति ईरानी अमेठी में वोट कैप्चर नहीं कर पा रही, इसलिए राजनीतिक हताशा में अब श्री राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग का एक खोखला आरोप लगा रही हैं। सही जो बात है वो स्मृति ईरानी कि दोबारा फेल होने वाली है लोकसभा की कहानी। उनका पता राज्यसभा से लोकसभा में नहीं बदलने वाला। वो तीन बार, ये दो बार कांग्रेस के कैंडिडेट से हार चुकी हैं, तीसरी बार फिर हारेंगी। स्मृति ईरानी सबूत दे, नहीं तो अब इस धार पे ध्यान दे कि किसी तरह अपनी जमानत बचा ले, नहीं तो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। अंतिम सवाल, राजस्थान में आपने प्रचार भी किया है, 13 सीटों पर वहाँ पर आज मतदान है, कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में है? देखिए, 13 में से 13, हमारा मिशन 13, जो पंजाब का भी 13 में से 13 है, राजस्थान में जो आज केवल 13 सीटों पे मतदान हो रहा है उसमें से 13 की 13 सीटें राजस्थान गई थी। और मैं आपको बता देता हूँ, 11 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ से गए रमन सिंह, राजस्थान से रानी माँ गई, मध्य प्रदेश से चले गए शिवराज मामा। 23 मई 2019 को कांग्रेस बंद कर देगी, मोदी जी का ये रोज का ड्रामा, ये वास्तविकता है। 13 में से 13 सीटें लाने का जो है कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से आज चुनाव है और लगभग करीबन 71 सीटों पर आज मतदान है, देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस को इनमें से कितनी सीटें हासिल हो पाती है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, एवन टीवी दिल्ली।